जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। नमस्कार, मैं हूं अभय, एक्स्ट्रा नॉलेज पर आपका स्वागत है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी उनके नाटक हैं तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और रोज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है।